अगर ये शादी हो गई तो हम जिंदगी भर बीरबल की यादों से छोड़िए छोड़िए ही कहते रहेंगे। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। नहीं होगी ये शादी। यहाँ पहाड़ की वजह से एक पहाड़ जैसी समस्या अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं हम, और ये लोग छप्पा छप्पा खेल रहे हैं। शाही खून है हम। अरे ये हमारी गलती है कि आप शाही खून है। आपकी गलती है तो ठीक है, लेकिन अभी तो हम खुशी मना रहे हैं कि उस राजकुमारी शांति प्रिया ने शादी के लिए हमें नहीं चुना, वरना जिंदगी भर हम गधे और घोड़े बनकर घूमते रह जाते। अरे नहीं 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 नहीं, आप लोगों को गधा बनने की क्या जरूरत है, माशाल्लाह ऊपर वाले ने पहले से ही। और घोड़ा बनने की तो सोचिएगा भी मत, वरना घोड़े कहेंगे कि ये क्या चीजें हैं जो घोड़ा बनके घूम रही हैं, घोड़ों का नाम खराब कर रही हैं ये। हमें ऐसा क्यों लग रहा है अब्बा हुजूर कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? ये भी आपको लग रहा है हम सीधी सीधी बेइज्जती कर रहे हैं आपकी, ये भी आपको महसूस नहीं हो रही है? मुझे पता है। क्या आप गधे हैं? नहीं 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 फूफू, हम तो ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात का पता है कि पहाड़ वाली समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा। हाँ बस अब ये इनसे सुनना रह गया था। सुन लीजिए अब्बा हुजूर, कभी कभार कौए के मुंह से भी श्लोक निकल जाता है। बासु बता, क्या बता रहा था? हाँ फूफू, हम तो यही कह रहे थे कि हमारे शाही वैद्य जी को बुलाया जाए और उनको बुलाकर ये बोला जाए कि बीरबल जी को कोई ऐसी दवाई खिलाएं जिससे उनको राजकुमारी की तरह बच्चा बनने के दौरे पड़ने लग जाएं। बस शादी के बाद दोनों को एक साथ दौरे पड़ेंगे, ऐसे ऐसे। और अब्बा हुजूर, शादी के बाद तो बीरबल जी को बच्चे की भी जरूरत नहीं है, दोनों आपस में छुपन छुपाई खेलकर खुश रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। बलदेव जा बना, तुम्हारे दीवाने खास की दीवार में थोड़ी सी और जगह निकलवाओ, हम दो लोगों को दीवार में चुनवाना चाहते हैं। अब्बा हुजूर, हमें लगता है कि हमें एक जरूरी काम याद आ गया, हम अभी आते हैं अब्बा हुजूर। नहीं नहीं रुको ना। ओए मुझे पता है फूफू, आप राजकुमारी और उनके ऐसे 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 वाले पिताजी को दीवार में चुनवाने के लिए सोच रहे हैं ना? बलदेव जहां पना, निकलो यहां से। पिताजी इतना अच्छा सुझाव दिया और आप कह रहे हो निकलो? निकलो यहां से। मुगल सल्तनत का भविष्य ये है भविष्य। अरे हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पहाड़ की समस्या भी हल हो जाए और बीरबल को ये शादी के जुल्म से गुजरना ना पड़े, लेकिन आपका बेटा तो उसने तो शादी भी करवा दी, बच्चे पता नहीं कहां तक पहुंच गया। जहां पना, हमें नहीं लगता इस समस्या का कोई और हल है। राजकुमारी शांति प्रिया की शादी बीरबल से नहीं होगी तो राजा आलोकनाथ वो अपना पहाड़ नहीं देंगे, अपना पहाड़ नहीं देंगे तो व्यापारियों की मुश्किलें हल नहीं हो सकेंगी। अगर ऐसा हुआ तो क्षमा कीजिएगा जहां पना, छोटा मुंह बड़ी बात, आप पर एक नाकाम राजा का बदनुमा दाग लग जाएगा जो अपनी प्रजा की एक छोटी सी मुश्किल भी हल नहीं कर सका। अगर इस बदनुमा दाग से, इस जलील तोहमत से बचना चाहते हैं तो बीरबल को यह शादी करनी ही पड़ेगी, आपके देश की खातिर, आवाम की खातिर। बीरबल को यह छोटी सी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। छोटी सी कुर्बानी? बलदेव आप इसे छोटी सी कुर्बानी कह रहे हैं? अब आप ही बताइए, कभी आधी रात को आपकी बीवी जाकर आपसे कहे कि थोड़ी देर के लिए जरा कछुआ बन जाइए, हमारा कछुए के साथ खेलने का बड़ा मन कर रहा है, क्या करेंगे आप? अरे ये शादी नहीं है बलदेव, ये एक मजाक है और ऐसा मजाक हम बीरबल के साथ नहीं होने देंगे। जा अपना, हम ये शादी करने के लिए तैयार। बीरबल अब आपने भी मजाक शुरू कर दिया ना। जा अपना, अभी अभी आप ही ने तो कहा कि शादी नहीं एक मजाक, तो हम ये मजाक करने को भी तैयार। बीरबल आप ये क्या कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? जी जा अपना, हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच समझ कर कह रहे हैं। तो
आप ही हैं वो जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। छोड़िए। क्या छोड़े? ये मजाक छोड़िए, अब हमारे अलावा यहाँ और कोई तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमने ही आपको बुलाया होगा। उर्वशी, राजनर्तिका, आइए बैठिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कहिए क्यों बुलाया है आपने हमें? बताते हैं बताते हैं, वैसे अभी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हमें क्या हुआ है भला? हमारा मतलब है कि घोड़े और गधों की सवारी करने का मन तो नहीं कर रहा ना आपका? हम क्या पागल है जो हमें ऐसी ऊटपटांग हरकतें करने की इच्छा होगी? नहीं नहीं, पागल तो आप बिल्कुल नहीं है, और आपको तो दौरे वौरे भी नहीं पड़ते। हैरानी की बात तो ये है कि आप जैसी सुंदर समझदार और सुशील लड़की को बीरबल में क्या दिख गया जो वो उससे शादी करना चाहती है? हाय दैया, ये कहीं हमने बीरबल में क्या नहीं देखा? वो ऊंचा कद, चौड़ा सीना, मुस्कुराता चेहरा, नशीली आंखें, मजबूत बाहें, मन करता है खड़े खड़े निकल जाए उन्हें, निकल जाए निकल जाए। छोड़िए। क्या छोड़े? ये गलतफहमी छोड़िए, बीरबल जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, एक नंबर के मक्कार और अय्याश किस्म के इंसान है। अरे बहुत बड़े जुआरी है, जुआ खेले बगैर तो उन्हें रातों को नींद ही नहीं आती। सच्ची? देखिए उर्वशी, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमें तो जुआ खेलने का बहुत शौक है, हमारे पिताजी की आधी संपत्ति तो जुए के भेंट चढ़ गई। चलिए अब हमें किसी और के साथ जुआ खेलने की जरूरत ही नहीं है, शादी के बाद बीरबल के साथ ही जुआ खेल लिया करेंगे, और अगर दोनों में से कोई भी हारे अशरफिया तो घर पे ही आनी है। अशरफिया, अशरफिया। ये भी छोड़िए, आपको पता है उन्हें मदिरा पीने की इतनी बुरी आदत है। हाँ, अरे दो चार सुराई शराब से तो वो सुबह उठकर कुल्ला करते हैं। छी, उर्वशी आइए हमारी गले लग जाएगी। आपने हमें कितना खुश कर दिया ये बताकर, हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि बीरबल मदिरा सेवन करते हैं। मदिरा सेवन, मदिरा सेवन। आप खुश हो रही हैं? खुश होने की तो बात है, कोई भी मर्द नशे में बदसूरत से बदसूरत औरत को भी खूबसूरत समझता है। अब देखिए कल को हमारी उम्र ढलेगी, हम इतने खूबसूरत इतने जवान नहीं रहेंगे, लेकिन बीरबल को हम तब भी अप्सरा ही नजर आएंगी। अप्सरा, अप्सरा। ये तो बिल्कुल छोड़िए, आपको पता है वो बहुत बड़े दिल फेंक हैं। हाँ, और औरतों के तो ऐसे रसिया कि इस महल की एक भी औरत को नहीं छोड़ा, सबका भोग लगा चुके हैं। आपका भी? छी, हम ऐसी औरत नहीं है। अच्छा, अब हम सब समझ गए, आपको ईर्ष्या हो रही है क्योंकि बीरबल ने सबको घास डाली लेकिन आपको घास का एक तिनका भी नहीं डाला। हम समझ सकते हैं उर्वशी, हम समझ सकते हैं। रही बात उनके औरतों के रसिया होने की, तो जब तक खूंटा नहीं बन जाता बैल तो इधर उधर मुंह मारता ही रहता है। अब जबकि हम आ गए हैं उनका खूंटा, तो ये किस्सा भी खत्म ही। समझिए समझिए समझिए। छोड़िए, हम तो अब तो आप छोड़िए उर्वशी जी। हम क्या छोड़े? हमारी फिक्र करना छोड़िए, हम तो फैसला कर चुके हैं कि हम तो शादी बीरबल से ही करेंगे, और हमें हमारे फैसले से कोई नहीं डिगा सकता है।